हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जहाँ पे आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं इंडस्ट्रियल रिलेशंस के बारे में कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस होते क्या हैं और यहाँ पे कौन कौन से की एलिमेंट्स हैं जो कि इंडस्ट्रियल रिलेशन में आपके इंक्लूड होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। किसके लिए इंपॉर्टेंट है, जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं या फिर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, उनके लिए इंडस्ट्रियल रिलेशन का टॉपिक उनके सब्जेक्ट में आपको दिख सकता है और एक अच्छा खासा वेटेज आपको यहाँ पे एग्जाम में मिल सकता है। सो स्टार्ट द वीडियो। देखिए, इंडस्ट्रियल रिलेशंस या फिर इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप जो आप सुनते हैं, इसका मतलब होता है कि रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज एट द वर्क प्लेस, कि जहाँ पे वो काम कर रहे हैं वहाँ पे आपके जो एम्प्लॉयर्स हैं और एम्प्लॉयज हैं उनके बीच का रिश्ता कैसा है, वो कैसे जो है अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करते हैं, कि कैसे उनके बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है ताकि कॉन्फ्लिक्ट्स ना बन पाए, डिसएग्रीमेंट्स हो तो उसको कैसे सॉल्व आउट किया जा सकता है। सो इट encompasses a broad range of issues related to the employment relationship, including wages, benefits, working condition, job security, grievances, handling and collective bargaining. देखिए, आप जहाँ पे काम करने जा रहे हैं वो व्यक्ति आपको पैसे तो देता ही देता है, यानी कि जो आपका एम्प्लॉयर है वो आपको मनी तो देता है, बट यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो भी अपनी डेडिकेशन देते हैं, अपना टाइम देते हैं, अपना काम देते हैं, अपना टैलेंट देते हैं, नॉलेज देते हैं। सो ये दोनों तरफ से जो है गिव एंड टेक का रिलेशनशिप होता है। तो यहाँ पे जब दोनों तरफ से गिव एंड टेक का रिलेशनशिप है तो दोनों के बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, एक म्यूचुअल अग्रीमेंट्स होने ज़रूरी हैं। वो म्यूचुअल अग्रीमेंट्स आपके हो सकते हैं वेजेस को लेकर के, कि हम आपको इतना वेजेस पे करेंगे, आप हमारे लिए ये सारी जॉब वर्क करोगे, हम आपको जो है ये सब वर्किंग कंडीशंस देंगे, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कैसे ग्रीवलेंसेस को हैंडल किया जाएगा, या फिर जो है कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको लेकर के कलेक्टिव बार्गेनिंग कैसे की जाएगी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपके इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप रिलेशन में जो है इंक्लूड हो जाती है। The goal of industrial relation is to create and maintain a productive and harmonized work environment that benefit the employer and employees. अगर आपके पास जो है industrial relation अच्छा है, या फिर कह लीजिए industrial relationship को जो main target रखा जाता है उसको better रखने का, वो ये होता है ताकि जो productivity है, जो आपकी काम करने के पूरा conditions है वो सही तरीके से चलती रहे, employer और employee के बीच में जो है काम सही तरीके से चलता रहे, एक दूसरे के साथ ज़्यादा problems ना हो और जो भी objective उसको कंप्लीट किया जा सके। इफेक्टिव इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप में रिक्वायर्ड होता है ओपन कम्युनिकेशन। अगर आपको एक अच्छा इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप चाहिए तो आपको ओपन कम्युनिकेशन चाहिए होगा, कि आप सबके साथ डिस्कशन कर सको, म्यूचुअल रिस्पेक्ट चाहिए होगी, चाहे वो एम्प्लॉयर की एम्प्लॉय की नज़र में हो या फिर एम्प्लॉय की एम्प्लॉयर की नज़र में। कॉपरेशन चाहिए होगा दोनों के बीच में, कि सारे मिलकर के कॉपरेट काम करें। ठीक है, सम ऑफ द की एलिमेंट्स जो है वो पहला आपका है एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि आपका एक टर्म्स एंड कंडीशन आउटले करता है एम्प्लॉयमेंट को लेकर के, कि भैया यहाँ पे क्या क्या वेजेस मिलेंगे, क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, क्या वर्किंग आवर्स होने वाली है और क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज होने वाली है। क्लियर एंड कॉम्प्रिहेंसिव एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट कैन हेल्प प्रिवेंट मिस अंडरस्टैंडिंग एंड डिस्प्यूट बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज। अगर आपके पास जो है एक क्लियर और बिल्कुल सिंपल या फिर कह लीजिए जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है वो सब डिस्क्राइब किया हुआ एक कॉन्ट्रैक्ट आपने बना लिया है एज एन एम्प्लॉयर, और एम्प्लॉयर ने उसको साइन भी कर दिया है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपके बीच का जो रिलेशनशिप रहेगा वो एक बेटर रिलेशनशिप रहेगा, क्योंकि आपने सब चीज़ें पहले से ही उनके साथ डिस्कस कर ली है और एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में लिख करके उनके हस्ताक्षर ले लिए हैं। तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट अगर आपका बना हुआ है तो वहाँ पे एक आपका पूरे आप जो भी डिसीजन होंगे, डिस्कशन होंगे, वो आपने वहाँ पे लिख लिए होंगे जो कि आपको हेल्प करने वाले हैं। ग्रीवलाइंस हैंडलिंग प्रोसीजर, ग्रीवलाइंस हैंडलिंग प्रोसीजर जो है एक फॉर्मल प्रोसेस होता है जो कि एम्प्लॉयज़ को मिलता है, या फिर कह लीजिए एम्प्लॉयज़ के लिए अवेलेबल कराया जाता है, कि भैया ये प्रोसेस होने वाला है, अगर आपको कोई भी चीज़ को लेकर के प्रॉब्लम है, कंप्लेन है, या फिर कोई आपको कंसर्न रेज करना है तो आप इस पर्टिकुलर प्रोसेस के थ्रू हम तक पहुँचा सकते हैं। सो वो ग्रीवलाइंसेस हैंडलिंग प्रोसीजर जो है एक फॉर्मल प्रोसेस होता है जो कि एम्प्लॉयज़ के लिए होता है, ताकि वो अपने कंसर्न्स रेज कर सके और कंप्लेंट्स रेज कर सके अबाउट देयर एम्प्लॉयमेंट। इफेक्टिव ग्रीवलाइंस हैंडलिंग प्रोसीजर कैन हेल्प रिसॉल्व इश्यू बिफोर दे एस्केलेट इनटू मोर सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम। तो यहाँ पे जो है जैसे ही कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम आती है वैसे ही उसको शेयर किया जा सके, ताकि वो बड़ा रूप ले उससे पहले उसका सॉल्यूशन मिल जाए। कलेक्टिव बार्गेनिंग, कलेक्टिव बार्गेनिंग जो है वो एक नेगोशिएशन का प्रोसेस है। नेगोशिएशन यानी कि जहाँ पे दो व्यक्ति के
एक कह सकते हो कि डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन है, जैसे कि आपने कहा कि हमें हमारी सैलरी बढ़नी चाहिए, उसने भी मान लिया हाँ चलो बढ़नी चाहिए, अब आप बैठे हो कि कितनी बढ़नी चाहिए, तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, कलेक्टिव बार्गेनिंग कर रहे हो, एक निष्कर्ष पे पहुँचने की कोशिश कर रहे हो, यहाँ पे नेगोशिएशन कर रहे हो। तो ये कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या है, एक नेगोशिएशन का प्रोसेस होता है बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय के रिप्रेजेंटेटिव के बीच में, यानी कि आपके जो भी इम्प्लॉयज है, अगर 1000 बंदा काम कर रहा है तो 1000 का 1000 उठ करके मालिक के पास नहीं जाएगा, उसका कोई एक रिप्रेजेंटेटिव जिसको हम कहते हैं ना टीम लीडर या जो भी, वो जाएगा, सच एज यूनियन का भी हो सकता है, टू डिटरमाइन द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और उसके साथ बैठ करके जो है वो अपने टर्म्स एंड कंडीशंस जो भी है वो डिटरमाइन करेंगे। सो कलेक्टिव बार्गेनिंग जो है आपको हेल्प कर सकते हैं, इंश्योर कर सकते हैं दैट एम्प्लॉयज रिसीव फेयर वेजेस बेनिफिट्स एंड वर्किंग कंडीशन। यहाँ पे कलेक्टिव बार्गेनिंग को से आपको हेल्प मिलता है कि आप जो है अपने फेयर वेजेस को रिसीव कर सके, बेनिफिट्स ले सके, वर्किंग कंडीशन अच्छे हो सके, इसको लेकर के आप यहाँ पे डिस्कशन करें। हेल्थ एंड सेफ्टी, अगर जो है आपके पास कोई व्यक्ति आ रहा है 8 घंटे आपके लिए काम कर रहा है, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उनको हेल्थ एंड सेफ्टी की वर्किंग प्रोवाइड कराओ। ऐसा नहीं है कि आप कह रहे हो कि यार मैं तो इसको पैसे दे रहा हूँ, सैलरी दे रहा हूँ, तो इसको करना पड़ेगा, मैं कंडीशन नहीं प्रोवाइड कराऊंगा, ऐसा नहीं चलता। यहाँ पे पूरी सेफ्टी प्रोवाइड करा करके आपको काम कराना चाहिए। तो यहाँ पे इंप्लॉयर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल है कि वो पूरी सेफ्टी और जो है हेल्थ वर्किंग एनवायरनमेंट्स प्रोवाइड कराए एम्प्लॉयज को। इफेक्टिव हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसीज जो है बने, प्रोसीजर्स बने, जो कि उनको एक्सीडेंट और इंजरीज अगर वर्कप्लेस पे होती है तो उसको सही तरीके से हैंडल कराया जा सके, उनके लिए जो भी खर्चे होते हैं वो कंपनी पे करे। तो ऐसे हेल्थ एंड सेफ्टी के भी यहाँ पे आपको जो है प्रोवाइड होने चाहिए। अगर ये सारी चीज़ अच्छी तरीके से प्रोवाइडेड होती है ना, तो वहाँ पे आपका एक अच्छा रिलेशनशिप, इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप बन के आता है। नेक्स्ट इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इज अगर कोई व्यक्ति आपके पास आया है, न्यू पोजीशन पे आया है, उसको पहले इस पोजीशन का कोई जो है जानकारी नहीं है, तो आप उसको पहले थोड़ा ट्रेन करते हो। कोई न्यू चीज़ें आ रही हैं, कोई न्यू सिस्टम आ रहा है, न्यू टैक्सेशन पॉलिसीज आ रही हैं, तो आप उनको उसकी नॉलेज दिलवाते हो। तो प्रोवाइड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर एम्प्लॉयर्स, ताकि वो जो है न्यू स्किल्स ले सके, न्यू नॉलेज ले सके, और वो जो है एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज दोनों को बेनिफिट करे। दिस कैन लीड इम्प्रूव जॉब परफॉर्मेंस, और अगर आप जो है सही ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोवाइड करा रहे हो तो उनकी जॉब परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी, उनकी जॉब सेटिस्फैक्शन इंक्रीज होगी, और साथ ही साथ उनकी प्रोडक्टिविटी जो है वो भी अच्छी होगी। एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, अब अगर आपकी कंपनी में कोई डिसीजन लिया जा रहा है और वहां पे अगर आप एम्प्लॉयज का भी पार्टिसिपेशन ले लेते हो, ताकि उनको लगे कि हाँ हमारी भी कुछ मानी जाती है, हमारी भी सुनी जाती है, हमारी वॉइस भी ये लोग सुनते हैं। सो इंकरेज करना एम्प्लॉयज को कि वो पार्टिसिपेट करें इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कैन हेल्प प्रमोट अ सेंस ऑफ ऑनरशिप एंड कमिटमेंट अमॉन्ग एम्प्लॉयज। दिस कैन लीड टू अ मोर एंगेज्ड एंड मोटिवेटेड वर्कप्लेस। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो यहाँ पे एम्प्लॉयज को और ज्यादा मोटिवेटेड लगेगा और वो अच्छे से और काम करेंगे। इन समरी, इंडस्ट्रियल रिलेशंस जो है ये एक क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं आपका क्रिएट करने में और मेंटेन करने में आपकी कंपनी का जो भी वर्क एनवायरमेंट है, प्रोडक्टिविटी है उसको। अगर आप क्लियर पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बना देते हो जहाँ पे आप फेयर वेजेस देते हो, बेनिफिट्स देते हो, प्रमोट करते हो ओपन कम्युनिकेशन के कोऑपरेशन, प्रमोट करते हो, प्रायोरिटाइज करते हो इम्प्लॉयज की हेल्थ को एंड सेफ्टी को, इम्प्लॉयज को जो है एक पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट देते हो ताकि वो सारे मिलकर के अच्छे से काम कर सके, तो ऐसे सिचुएशन में कहा जाएगा कि आपकी इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप्स अच्छे हैं और आप जो है कहीं ना कहीं मार्केट में इसका एडवांटेज जरूर ले पाओगे। सो आज के वीडियो के लिए इतना ही गाइस, लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।